घोड़ों को बाहर निकाल दिया गया है और अब ये जा रहे हैं वाग पे। इनमें घोड़े घोड़ियाँ सब मौजूद हैं। इनसे मुंसलिक दिखाते हैं तमाम पेंटिंग्स। खुराक की बात की जाए तो इनको यहाँ पे देसी घी और दूसरी तमाम देसी खुराकें खिलाई जाती हैं, जिनकी वजह से इनकी सेहत बहुत अच्छी है। काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और हमारा रोज़ा बहुत ही हमें आज प्यारा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ठंडी खुशगवार हवा चल रही है और कैसर साहब बैठे हुए हैं माहौल को इंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, पार्ट हो गए बिस्मिल्लाह पढ़ कर आई का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जो लोग आए हैं न्यू चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं आबिद स्टार्ट। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आबिद स्टार्ट फार्म हाउस। वहां पे मुख्तलिफ किस्म के घोड़े हैं और उसके अलावा बागात वगैरह और दूसरा सब कुछ आपको दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। झूठ बोल रहा है। की बात की जाए तो मौसम आज बहुत ही ज्यादा खुशगवार है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और आपको दिखाते हैं आज स्पेशल आपके लिए। सुबह सुबह उठा हूँ और मैंने कहा आज व्लॉग बनाते हैं और आपको सारी गाँव की खूबसूरती दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। स्टार्ट फार्म हाउस का स्टार्ट यहाँ से होता है, ये इसका मेन गेट है। पहले भी आपको दिखाया था लेकिन पार्ट्स में दिखाया था, आज इंशाल्लाह आपको फुल व्लॉग बना के दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। जो जो लोग न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुमसे ना हो पाएगा। विंटर हो चुके हैं अभी स्टार्ट फार्म में, तो मेरे राइट साइड की बात की जाए तो इस साइड पे है नहर और मौसम बहुत ही प्यारा है, धूप भी निकली है हल्की हल्की। और इस साइड पे लेफ्ट साइड की बात की जाए तो इधर है अभी स्टार्ट फार्म हाउस, ये आपको दिखाते हैं। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग नजर आ रही है, ये आदि स्टार्ट फार्म हाउस की है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे जानवर वगैरह मौजूद हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये सामने मोर है, बहुत ही प्यारा। रुको जरा सबर करो। और एक इधर आराम कर रहा है, मैं देख कर भाग गया। एक मोर इधर रेस्ट मार रहे हैं, ये चेक करें एक वाइट कलर का है और दूसरा जो इनका ओरिजिनल कलर होता है उस कलर के में मोर है। अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल स्लोली स्लोली और बड़ी ठंडी चल रही है, ये चेक करें मोर। दो उधर बैठे गपशप लगा रहे हैं, ये और बाकी आगे जाते हैं और आपको बाकी सारा व्यू दिखाते हैं। ये है मोर और दूसरी वो वाइट कलर की जो है वो मोरनी है। ये ब्रीड के लिए नए लेके आए हैं, पहले सिर्फ इसी कलर के होते थे मोर ही, लेकिन अब मोर और मोरनी उन्होंने कपल पूरा कर दिया है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको आप स्टार्ट की। बात की जाए तो ये 1946 का बना हुआ है, ईस्टर्न दौर का, और अपनी पुरानी रवायात के साथ आज भी यहाँ पे मौजूद है। के अंदर और आपको दिखाते हैं सारे घोड़े। पिछली दफा आए थे तो मौसम खराब था, तो ये है जी घोड़े के बच्चे छोटे छोटे।
ये चेक करें, ये अभी सारी ब्रीड यहाँ पे तैयार की जा रही है अभी स्टार्ट के अंदर। यहाँ पे बकायदा नाम रखे गए हैं और इनको बाहर सेल किया जाता है और इनकी बकायदा एक्सपोर्ट होती है। ये ज़्यादातर घोड़े बाहर की नस्ल के ही हैं और डॉलरों में सेल होते हैं। सेहत की बात की जाए तो सेहत में ये अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद नज़र आ रहे हैं आपको। और इनकी खुराक की बात की जाए तो इनको यहाँ पे देसी घी और दूसरी तमाम देसी खुराकें खिलाई जाती हैं जिनकी वजह से इनकी सेहत बहुत अच्छी है। और इनके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे से दरख्त लगे हुए हैं जिनसे इनको छाँव में असर हो रही है। और अभी कुछ तैयार हो रहे हैं यहाँ पे इनके लिए रूम वगैरह, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो इनको अंदर बंद कर दिया जाएगा। घोड़े अभी भी अंदर मौजूद हैं, ये चेक करें ब्लैक कलर, ये इनके सामने अब घर तैयार हो रहे हैं। यहाँ से हो रहे हैं एग्जिट, ये है एग्जिट गेट, यहाँ पे भी घोड़े मौजूद हैं। और इसके बाद अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे मौजूद बागात वगैरह। बड़ा हरामी हो बेटा, इनसे मुंसलिक दिखाते हैं तमाम पेंटिंग्स। और ये है इनकी मालिका सईद आफताब हुसैन। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? इस स्टार्ट के बाहर का व्यू है। परिंदों की चहचहाट बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया और ज्यादातर परिंदे यहीं दरख्तों में मौजूद हैं, ये चेक करें। और यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है तो सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी साइडों की बात की जाए तो यहाँ पे मौजूद है मोर जो पहले आपको दिखाए हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए, वो चेक करें सामने। A few moments later, घोड़ों को बाहर निकाल दिया गया है और अब ये जा रहे हैं वाक पे। इनमें घोड़े घोड़ियां सब मौजूद हैं। वो मोर दिखाते हैं बिल्कुल करीब से, जिनको पीकॉक कहते हैं। जब हम करीब जाते हैं तो ये भाग जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा दूर से दिखा रहे हैं, ये चेक करें। अब इनको पता चल गया कि हम काफ़ी देर से यहाँ पे फिर रहे हैं तो अब ये हमसे इतने ज़्यादा झिझक नहीं रहे। बात तो सही है। माहौल की बात की जाए तो बिल्कुल पूरा अमन है, हल्की हल्की आवाज़ चल रही है। और शहर के लोग इस मॉल को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे क्योंकि ये मॉल सिर्फ और सिर्फ गांव में देखने को मिलेगा। लोग ये मौजूद है यहाँ पे हमारे इलाके में, आपको दिखाते हैं इसका सारा। अब तो इनकी देखभाल नहीं की जा रही इसलिए बहुत ही खस्ता हालत में हो गए हैं। पहले बिल्कुल ही यहाँ पे इनकी रिहाइश वगैरह थी। Why you cry? की जाए तो सामने सारे बागात वगैरह लगे हुए हैं, वही नस्ल का एक दरख्त मौजूद है जो कि बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे बैठे हैं और मॉल इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरती का एंड हुआ पड़ा है यहाँ पे, चेक।
हमारा नजर आ रहा है। बैक कैमरे से दिखाते हैं तो गांव का माहौल बिल्कुल ही एंड है। शहर के लोग इसे बहुत ज्यादा मिस करते होंगे। और अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मौजूद एक पुरानी बिल्डिंग, जिसको तकरीबन 100 साल पुरानी बिल्डिंग कहा जा सकता है, क्योंकि आपको अभी स्टार्ट दिखाया है वो 1946 में बना था और ये उससे पहले की यहाँ पे मौजूद है। तो इसके बाहर यहाँ पे हल वगैरह और स्प्रे वाली मशीनें रखी गई हैं, जो कि आम और दूसरे जो यहाँ पे पौधे वगैरह लगे हुए हैं उनको स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। A few moments later, ये जो मौसम है ये आपको शहर में देखने को कहीं नहीं मिलेगा। हम काफ़ी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और हमारा रोज़ा बहुत ही हमें आज प्यारा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही ठंडी खुशगवार हवा चल रही है और कैसर साहब बैठे हुए हैं माहौल को इंजॉय करते हुए। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल जा रहे हैं आपको खजूरों के, उसके अलावा डोकर बेर और उसके अलावा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब आए थे उस वक्त अभी इन पे फूल वगैरह नहीं आए थे और अब ये फूल ही आमों में तब्दील हो जाएंगे। इनको पंजाबी में कहते हैं बूर। वो आ चुका है इन दरख्तों पे और उसके बाद ये दरख्त आमों में चेंज हो जाएंगे। ये बूर जो इनके ऊपर फूल लगे हुए हैं येलो कलर के, ये इनके बाद आमों में तब्दील हो जाएंगे। सबसे पहले सब्ज़ कलर और उसके बाद इनको उतार लिया जाता है और यहीं पे नीचे इनको हमारे साथ रहिएगा। यहाँ से खजूरों के दरख्त बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। पिछली दफ़ा आए थे उस वक्त शाम हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिन का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। भूल भुलैया में चेक करें, भूल भुलैया पश्तूत बिल्कुल पके हुए हैं ब्लैक कलर में। वापिस शाजुना और आपको दिखाते हैं रास्ते के सारे व्यूज। 75 years later. चुके हैं बाहर और जाते जाते मैंने कहा आपको व्यू दिखा दें। और यहाँ पे क्योंकि कल मौसम काफी ठंडा था इसलिए इनको बाहर धूप में एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकाल दिया गया। करते हैं आज के व्लॉग का एंड और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। Damn.